यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। वह का वक्त है और रात में आग लगा था, अभी भी आग धीरे धीरे सुलग रही है, क्योंकि सच के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, झूठ के साथ बिल्कुल नहीं। ये फायर ब्रिगेड वाले को आपने फोन नहीं किया क्या? थाली देख सकते हैं आप, इनका अनाज देख सकते हैं, ये अनाज है देखिए। पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है और आप देखिए ये मेहनत मजदूरी करके ये जो धान है देखिए, ये धान रखे हुए थे कि ताकि अपने परिवार का गुजारा कर सके, इसे खा पी सके, लेकिन ये धान जल के पूरा राख हो गया है, अब कहाँ जाएंगे परिवार। और सबसे बड़ी सवाल ये है कि आखिर आज ये परिवार कहाँ सोएंगे। नमस्कार, इस समय हम जगदीशपुर कुसाही गांव में मौजूद है और ये जिला मुजफ्फरपुर पड़ता है, वार्ड संख्या 2 पड़ता है। आपको बता दें कि ये ब्लॉक भी ब्लॉक मोतीपुर ब्लॉक पड़ता है और प्रखंड भी मोतीपुर है। चलिए आपको बताते हैं कि कल रात को क्या घटना हुआ। कल रात जब 11 बज रहे थे, यानी इस ठिठुरती ठंड में, इस कांपती ठंड में जब रात के करीब 11 बज रहे थे, तब अचानक ये देख सकते हैं ये घर है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लग गया। जी हाँ, ये कारण यही बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से इस जगह में आग लग गया। और जब जैसे ही ये आग लगा, आग की जब लहर तेज़ होने लगी, धीरे धीरे जब आग की लहर तेज़ होने लगी, जो ये परिवार है, गरीब परिवार जो इस झोपड़ी में रहते थे, वो जो व्यवसाय करते हैं वो बकरी पालन का व्यवसाय करते हैं, और बकरी जो है उन्होंने घर पे रखा हुआ था, और अचानक धीरे धीरे आग की लहर इतनी तेज़ हो उठी कि बकरी जब बकरी को आग लगी तो वो चीख और चिल्लाने लगे। चीख और चिल्लाहट सुन के जब परिवार के कानों में वो आवाज़ सुनाई दिया तो परिवार हक्का बक्का रह गए, भौचक्का रह गए, और वो भौचक्के में जल्दी से उठे और जल्दी से अपने जितने परिवार थे उनको उठा के यहाँ से और वो बाहर ले गए। और ये घटना आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं जान और माल का नुकसान हुआ, आप देख सकते हैं किस तरह से ये अनाज रखा हुआ है और ये अनाज जल के राख हो गया। बताइए, ये किसान दिन रात मेहनत करके, खेत में मजदूरी करके, ये वो मेहनत है जो कि व्यर्थ गया है, उनकी पूरी अनाज नष्ट हो गई। ये देखिए, ये खेत में खाद डालने के लिए कुछ दिन रखे हुए थे और ये खाद देख रहे हैं पूरा बर्बाद हो गया है। थाली देख सकते हैं आप, इनका अनाज देख सकते हैं, इनका जो भी व्यवसाय की चीज़ है, घर है, बिस्तर है, ये सब बर्बाद हो गया है। यहाँ तक बिछावन तक की कुछ नहीं बचा इनके घर में, आप देख सकते हैं कि ये हालत हो गई है। आइए पीड़ित परिवार से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कहाँ तक ये बात पहुँची, ब्लॉक लेवल तक आखिर बात पहुँची, यहाँ के वार्ड आखिर आए कि नहीं आए, मुखिया यहाँ के आए कि नहीं आए, कहाँ तक इनकी शिकायत है ये सुनी गई है। आइए इन्हीं से जानते हैं। पहले आपको बता दें कि ये देखिए, आग की लहर इतनी तेज़ थी कि अभी भी देख रहे हैं कि आग सुलगती हुई साफ नज़र आ रही है। देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है और रात में आग लगा था, अभी भी आग धीरे धीरे सुलग रही है। ये माहौल है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये बताइए कि जब आग लगी थी, जब अचानक आग लगी तो आपने आप परिवार को लेके आप बाहर तुरंत बाहर हो गए? हाँ, तुरंत बाहर हो गए। हम लोग सोए हुए थे, हम सोए लोग तो बकरी बोल रहा था, ठीक है, हम आवाज़ सुने तो हम उठे, तले आधा घर इसमें जल गया था। ये बताइए तो आप अकेले भी इतना खोल आसपास हम लोग टाटे तुर के इसमें बाहर निकल गए। ठीक है। आसपास में जब आप घर से बाहर निकले तो आसपास में आप चिल्लाए गांव को मदद करने के लिए, गांव वासियों को, तो आए हुए थे। तो ये जो आग बुझाने की प्रक्रिया, आग बुझाने की जो प्रक्रिया थी, वो गांव वाले मदद किए या आपने खुद किया? नहीं, गांव वाला भी मदद किया, हम भी किए, तले बिजली के करंट से माने की आग लगा। ये फायर ब्रिगेड वाले को आपने फोन नहीं किया क्या? नहीं, किया गया था। किया गया था? हाँ। आए थे वो? नहीं, आए हुए नहीं थे। वो नहीं आए थे? नहीं। अच्छा, ये बताइए, फोन से बात हुआ था? फोन से बात हुआ था, यहाँ से वहाँ से लाइन कटवाया गया था, कटवा कर तब माने कि यहाँ से तार उर काट कर वहाँ अलग हटाया गया था। क्या क्या नुकसान हुआ है आपको? साइकिल नुकसान है, 6 गो बकरी है नुकसान, वहाँ अनाज पानी यही सब नुकसान हो गया है। ठीक है, पैसा कौड़ी यहाँ कोठी पर 4-5 हज़ार रुपया रखे हुए थे, खाद ले आए हुए थे, वो बचा हुआ था तो उसी पर रख गया, वो भी नुकसान हो गया। ठीक है, और पैसा वैसा भी जला है क्या इसमें? पैसा भी 4,000 रुपया जल गया है। अच्छा, ठीक है। मदद करने के लिए आमतौर पे जब ये होता है, जब गांव में जब आग लगती है तो खास करके सबसे पहले पुलिस प्रशासन पहुंचती है, और उससे पहले भी यहाँ दमकल जो कर्मी है वो पहुंचते हैं ताकि आग को बुझाया जा सके, लेकिन दमकल कर्मी यहाँ पे नहीं पहुँच सके। लेकिन ये बताइए कि पुलिस प्रशासन, वार्ड यहाँ जो मेम्बर है वो आए थे या फिर आप ब्लॉक में गए, क्या हुआ, क्या मतलब शिकायत कहाँ तक पहुँचा, अभी क्या हुआ था, पहले क्या हुआ? सबसे पहले यही हुआ था कि वार्ड भी आए हुए थे, ठीक है,
वार्ड भी आए हुए थे तो सब कोई आए थे, गांव के माहौल सब आए हुए थे, मुझाया गया हुआ था। उसके बाद में बोला कि यहाँ से थाना में पटिशन देने के लिए, तो थाना में पटिशन भी दिए। तो उस सोमवार के दिन बोला कि यहाँ से मैंने कि अथी से कागज़ मिलेगा सोमवार को, तब ब्लॉक से लेके जाइएगा। अच्छा, मोतीपुर के जो थाना अध्यक्ष है वो अनिल कुमार है। हाँ, तो आप पहले यहाँ उमाकांत चौकीदार है। उमाकांत चौकीदार, चौकीदार तो वो है लेकिन थाना अध्यक्ष अनिल कुमार है। हाँ, तो आप वहाँ गए थे? हाँ, हम गए हुए थे, आज मैं गए। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यहाँ से मैंने कि हाँ बोली बोली कोई दिक्कत नहीं है। पटिशन के लिए क्या बोला? पटिशन के लिए बोले थे कि यहाँ से सोमवार को दिन आइएगा, आपका रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगा, तब ब्लॉक में जाके दीजिएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको? रिसीविंग। अच्छा, रिसीविंग। हाँ। जैसे आप थाने में गए। हाँ। थाने में जाके आपने पेटिशन दे दिया, तो थाने वाले ने आपको क्या बोला? थाने वाले ने बोला कि हाँ तो जैसे रिसीविंग ले लीजिएगा। हाँ। और रिसीविंग ब्लॉक में जाके दे दीजिए। ब्लॉक में जाके दे दीजिए। और उसके बाद क्या होगा? ब्लॉक में जाके तब से आपका सोमवार का दिन चेक मिलेगा। तब आपका जो राशि जो आपको मिलना है आपदा विभाग के तरफ से वो आपको मिलेगा। तो ये अभी राशि तय नहीं हुआ है कितना मिलेगा? अभी तय नहीं हुआ है कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो अब देख सकते हैं कि ये जान और माल का नुकसान हुआ है। और लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दमकल कर्मी यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो जो तमाम सुविधा है प्रशासन के तरफ से, ब्लॉक के तरफ से, वार्ड के तरफ से, ये करवाया गया है। और ये बताइए कि मुखिया उखिया को नहीं आते मदद वद करने? नहीं, मुखिया के आदमी आए थे, सुबह में फ़ोटो खींच के ले गए। मुखिया के आदमी आए थे, मुखिया खुद नहीं पहुँचे? नहीं। कौन है मुखिया? जगन्नाथ राय। अच्छा, वो आए नहीं यहाँ? नहीं, वो नहीं आए। हाँ, उनका आदमी भी आया हुआ, आदमी लेकिन आए थे उनके। ठीक है, तो मदद तो की गई थी। मुखिया के आदमी आए थे, सुबह में फोटो खींच के ले गए। मुखिया के आदमी आए थे, मुखिया खुद नहीं पहुँचे? नहीं। कौन है मुखिया? जगन्नाथ राय। अच्छा, वो आए नहीं यहाँ? वो नहीं आए। उनका आदमी भी आया हुआ, आदमी लेकिन आए थे उनके। ठीक है, तो मदद तो की गई थी। ये पंखा है, ये देख सकते हैं आप, ये दिखाइए कैमरा मैन, थोड़ा इधर दिखाइएगा। आखिर इनको सोने का विशेष व्यवस्था किया गया है भी या नहीं, सोने का प्रबंध किया गया है, इन्हीं से पूछते हैं। कितने परिवार है आपके घर में? हमारे घर में 5-7 आदमी, 8-9 आदमी है। ठीक है, तो प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि आज रात को सोने की जो व्यवस्था है वो कर दी जाएगी? आज ब्लॉक में गए हुए थे, त्रिपाल मिला है। हाँ। तो क्या बोला गया कि उसको आप बिछा दीजिए? नहीं, ऊपर से तान दीजिए, नीचे पूरा बिछा के सो जाइए। मतलब ढक दीजिए, चारों तरफ से ढक के त्रिपाल को सो जाइए। हाँ। ये लेकिन आपको खुद बोला गया करने के लिए, कोई पहुंचेगा वर्कर? कोई नहीं पहुंचेगा, मेरे को बोला गया, खुद को करना। हाँ। पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इनका घर पूरी तरह से जल के राख हो गया है। और प्रशासन की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मदद इनको मिलेगी, जो राशि इनको दिया जाएगा वो मिलेगा। लेकिन अगर राशि नहीं मिला, अगर इनको मदद नहीं मिला, तो महाखबर आपको लगातार अपडेट देते रहेगा, क्योंकि सच के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, झूठ के साथ बिल्कुल नहीं। देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक। आपके साथ मैं था अनीश राज।